कैथल नगर परिषद में वाले सफाई कर्मचारी ने पिछले कई माह से वेतन न मिलने और पिछले काफी समय से बकाया पड़ा एरियर न मिलने के विरोध में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया। पुरुष और महिला सफाई कर्मचारी अपने हाथों में झाड़ू लिए सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। यूनियन के 5 सदस्य सिटी मजिस्ट्रेट से मिले और सफाई कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन उन्हें सौंपा। यूनियन लीडर ने कि कैथल नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को पिछले कई माह से वेतन बकाया है और कई कर्मचारियों का एरियर भी बकाया है। नगर परिषद और जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से बार बार अनुरोध के बावजूद भी अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों का वेतन न मिलने के कारण वे अपने अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही जिला प्रशासन ने सफाई कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो वे आंदोलन करने पर विवश होंगे। कैथल से नवीन मल्होत्रा, आजाद टीवी न्यूज। नाम शिवचरण, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। आज का जो ये हमारा प्रदर्शन है, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने राज्य स्तर पर आंदोलन की कॉल दी हुई है और 6-7 तारीख को हम झाड़ू प्रदर्शन करके हरियाणा सरकार को ये चेताना चाहते हैं भाई, हरियाणा सरकार जो अपने संकल्प पत्र में वादे करके आई थी उन वादों को लागू करे। और इसके बाद 11 जुलाई 2017 को हरियाणा का प्रधान सचिव आर के अधिकारियों ने हमारी मांगों पे, समस्याओं पे बातचीत की थी, सभी मांगों को आश्वासन दिया था लागू करने का, लेकिन 11 जुलाई से आज तक उन मांगों के परिपत्र नहीं जारी किए गए, जिसको लेकर के नगर पालिका कर्मचारियों में आक्रोश है। हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार को कि संकल्प पत्र में किए गए वादों को लागू करें और जो 11 जुलाई 2017 का समझौता है उसके परिपत्र जारी करें, और जब तक हमारी मांगों का, समस्या का समाधान नहीं होगा, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसी कड़ी में